संथाल परगना प्रमंडल में पहाड़िया सेवा मंडल की ओर से कुष्ठ रोगियों के लिए कुष्ठ आश्रम बनाया गया था जो 23 सालों से बंद पड़ा है। सदर में विधायक नलिन सोरेन, प्रोफेसर स्टीफन मरांडी व लोबिन हेम्ब्रम ने इस पर चिंता जताई है। सरकार से इसके लिए पहल करने की अपील की है। विधायकों ने सेवा मंडल के बंद पड़े संपत्तियों को एक न्यायिक जांच समिति बनाकर जांच कराई जाए। विधायकों के मुताबिक इन केंद्रों में झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल व मध्य प्रदेश के रोगी आकर यहां स्वास्थ्य लाभ करते थे, लेकिन सरकार की उपेक्षा की वजह से यह केंद्र आज तक नहीं खुल पाया। यही नहीं, सेवा मंडल द्वारा पहाड़िया जातियों के लिए 6 मध्य विद्यालय, 160 प्राथमिक विद्यालय और 60 पहाड़िया पाठशाला चलाया जाता था। इनमें से ज्यादातर विद्यालय का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, जिस वजह से पहाड़िया जनजाति समाज के लोगों की सेहत और शिक्षा दोनों पर गहरा असर पड़ रहा है। सरकार का भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। यह आश्रम देवघर, आमरापारा, बोड़ियो, चांदवा, पालोजोरी, बागमारा, फतेहपुर, हंसडीहा व गुड्डा में संचालित था। यह आश्रम काफी पुराना रहा है। इस केंद्र की स्थापना 1963 में हुई थी। एकीकृत बिहार में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुशीला नायर ने किया था। वर्ष 1994 तक तो ये सारे संचालित हुए, लेकिन वर्ष 1998 से बंद पड़े हैं। न्यायालय के आदेश से देवघर के तत्कालीन डीसी के सेवा मंडल का रिसीवर नियुक्त किया गया था, लेकिन इसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया गया।